इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकलकर आ चुका है कि FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी की है जिसमें PML यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 9 एक्सचेंजर्स को URL को कंप्लीटली बैन करने का आदेश जारी कर दिया। इनकी कभी भी इन 9 URL को कभी भी बैन किया जा सकता है, और अगर बैन कर दिया जाएगा तो क्या आपके सारे फंड फंस जाएंगे, क्या हमेशा के लिए बैन हो जाएगा, हमारा बैलेंस सारा लॉस हो जाएगा, आखिर ये पूरा मामला क्या है और कब क्या कैसे होगा, कंप्लीट मामला और कंप्लीट बातों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा कि आखिर FIU क्या है, आखिर PML एक्ट 2002 क्या है, आखिर VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, और आखिर MLF यानी MLA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक जरूर देखें, मैं हर एक बातों को जानकारी आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक दूंगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के लिए आप एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को नेक्स्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश कुमार, इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक वेलकम है। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको नोटिस पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अभी जो अपडेट निकलकर आई है वो ये है कि FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया राइट टू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ब्लॉक URLs ऑफ द 9 एंटिटीज ऑपरेटिंग इनलीगली विदाउट कंपाइलिंग विद द प्रोविजन ऑफ PML एक्ट इन इंडिया। यानी कि FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यह आदेश जारी किया है कि 9 URL को ब्लॉक कर दिया जाए, 9 URL जो एक्सचेंजर्स के उनको ब्लॉक कर दिया जाए। क्यों ब्लॉक किया जाए, उन्होंने जो रीजन लिखा है वो लिखा है कि विदाउट कंपाइलिंग विद द प्रोविजन ऑफ PML एक्ट, यानी कि जो 9 एक्सचेंजर्स है वो PML एक्ट को लागू नहीं करते, PML एक्ट के तहत नहीं है, यानी कि जो 9 एक्सचेंजर्स है वो इंडिया के PML एक्ट के तहत नहीं आती है, उन्होंने PML एक्ट को फॉलो नहीं किया हुआ है जिसके वजह से उनको ब्लॉक करने की बोल रही है। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले समझते हैं कि PML एक्ट क्या है और FIU क्या है। जब आप PML एक्ट और FIU को समझ जाएंगे तो इतना सारा जो नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको फंड वहां से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, साथ ही साथ आपको वहां पर क्या क्या अभी करना चाहिए। तो दोस्तों, जानते सबसे पहले हम सभी मेंबर्स, हम सभी लोग, कि आखिर FIU क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि FIU एक एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के अधीन रहकर काम करती है। इसका काम होता है सभी ट्रांजैक्शंस के ऊपर निगरानी रखना, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं लीगल इनलीगल सभी चीजों के ऊपर निगरानी रखना, उसको सभी लोगों के सामने छानबीन करके लाना होता है। तो इस FIU का ये कर्तव्य बनता है, FIU का मतलब कि ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो वित्त मंत्रालय के अंदर रह के काम करती है, तो इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का काम है कि जितने भी फाइनेंशियल काम, बड़े बड़े फाइनेंशियल काम हो रहे हैं उसको देख रेख करना, उसको छानबीन करना, कहाँ पे इनलीगली और कहाँ पे लीगली रूप से काम हो रहा है। तो जितने भी एक्सचेंजर्स आप देख रहे हैं, इंडिया वाले लोग बहुत समझदार हैं, इंडिया वाले लोग इंडियन एक्सचेंज पे बाय एंड सेल नहीं करते हैं, फॉरेन के एक्सचेंज पे बाय एंड सेल करते हैं ताकि टैक्स बच जाए, ताकि टैक्स भरना ना पड़े। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उन एक्सचेंजर्स के ऊपर, उन एक्सचेंजर्स के माध्यम से अपने डुप्लीकेट पैसे को, यानी कि अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते और कन्वर्ट करते भी हैं। तो इसी वजह से जो FIU है वो ये कहती है कि जितने भी एक्सचेंजर्स इंडिया में हैं या इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको PML एक्ट के तहत रह के काम करना पड़ेगा। अब ये PML एक्ट क्या है और PML एक्ट कहती क्या है और जिसको फॉलो नहीं करने की वजह से URL ब्लॉक हो रहा है, तो PML एक्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये हम लोग जानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, PML एक एक्ट है। PML का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये 2002 में लागू किया गया था, भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, यानी कि एक कानून है जिसका उद्देश्य है काले धन को सफेद करने से रोकना। PML एक्ट बनाया ही इसलिए गया था कि जिसमें कोई मेंबर्स अगर काला धन से सफेद धन बना रहा उसको रोकने का काम करती है। और इसमें 2023 में एक बहुत बड़ा सुधार किया गया था, यानी कि इसमें एक ये किया गया, करेक्शन किया गया था। और वो करेक्शन क्या था, वो सुधार क्या था, तो ये था कि जितनी भी संस्थाएं
चल रही हैं, जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर्स चल रही हैं, तो ये सारे एक्सचेंजर्स को अपना डाटाबेस शेयर करना होगा। डाटाबेस क्या होता है, तो हम सभी मेंबर्स क्या करते हैं, बाइनेंस पे या कुकवाइन पे या बहुत सारे एक्सचेंजर्स पे बाय एंड सेल करते हैं, वो भी फैट में। फैट का मतलब होता है INR, इंडियन रुपीज में करते हैं। तो जो इंडियन रुपीज में कर रहे हैं, ये तो इंडिया के फाइनेंशियल मंत्री को नहीं पता है कि हम कितना का बाय कर रहे हैं, कितना का सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इस कानून में PML एक्ट में कहा गया था, PML में रखा गया है ये कानून को, कि अगर आपको इंडिया में ऑपरेट करना किसी भी धंधा को, तो अपने धंधा में जितना भी डाटाबेस में जो इंफॉर्मेशन आ रहे लोगों के ट्रांजैक्शंस का, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको सरकार के पास शेयर करना पड़ेगा। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आप इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जो बाइनेंस है, जैसे अभी वजीरक्स है या क्वाइन स्विच, ये सारे लोग क्या हैं, ये सारे लोग के पास लाइसेंस है इंडिया का, और ये सारे लोग ऑलमोस्ट डाटा बेस शेयर करते हैं, हमारे डिटेल शेयर करते हैं, जितने भी हम वहां पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हर एक ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट गवर्नमेंट सरकार के पास जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए बाइनेंस इस चीज को फॉलो नहीं कर रही थी। ये जितनी भी 9 एक्सचेंजर्स को URL को ब्लॉक करने का जो नोटिस जारी हुए थे, सारे जो एक्सचेंजर्स हैं, ये सारे एक्सचेंजर्स इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो अपने इंफॉर्मेशन, वो अपना डाटा बेस शेयर नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से ये ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया है। तो यहां पर जो मुझे लगता है, जो मेरे अनुसार, कि इंडिया का एक बहुत बड़ा डाटा बेस है, इंडिया का एक बहुत बड़ा यूजर बेस है, और इतना बड़ा यूजर बेस कोई भी एक्सचेंजर गवाना नहीं चाहेगा एक छोटा सा चीज के लिए। तो जरूर वो जो जितने भी एक्सचेंजर्स है, वो सारे एक्सचेंजर्स ऑलमोस्ट कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद वो डाटा बेस शेयर करेगी और इस एक्ट के तहत काम करेगी। लेकिन दोस्तों अभी मेरे तरफ से मेरा जो सलाह, जो मेरा पर्सनल सलाह है, वो ये है कि आप सभी मेंबर्स हॉट वॉलेट से कोल्ड वॉलेट में अपने फंड को रख सकते हैं। हॉट वॉलेट का मतलब होता है कि कोई एक्सचेंजर का जो वॉलेट है वो हॉट वॉलेट होता है, उस पर कंट्रोल पूरा तरीके से एक्सचेंजर्स का है। और कोल्ड वॉलेट का मतलब होता है जैसे जिस पे किसी का भी हक ना हो, किसी का भी उसमें एक अधिकार ना हो, तो आप अपने फंड को वहां से निकाल कर कहीं सेफ जगह पे रख सकते हैं, ये आप अभी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली ये जो सारे एक्सचेंजर्स है, ये सारे एक्सचेंजर्स कहीं ना कहीं इस रूल में, इस एक्ट में ही आकर काम करेगी, PML एक्ट में ही आकर काम करेगी। तो लगभग मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स बता दी कि आखिर FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया क्या है। तो ये एक वित्त मंत्रालय का एक छोटा सा विभाग है जो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर निगरानी रखती है। आप कहीं भी बच नहीं सकते हैं, अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे आप बाइनेंस पे ट्रांजेक्शन्स करिए, चाहे आप कुकॉइन पे करिए, चाहे किसी भी फॉरेन एक्सचेंज पे करिए, तो आप सावधान हो जाए और प्रॉपर तरीके से काम करें, वरना कभी भी नोटिस आ सकता है। और दूसरा हम लोगों ने आज सीखा कि VDA क्या होता है, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर को VDA SPS कहते हैं। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने समझा कि PML क्या है, तो PML आपको मैंने अभी बताया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो भारत के संसद द्वारा पारित किया गया था 2002 में, फिर 2005 में करेक्शन हुआ, और कंप्लीटली बहुत सारे करेक्शन होकर 2023 में एक बहुत बड़ा करेक्शन हुआ कि जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं को सारा का सारा डिटेल्स गवर्नमेंट को पूरा का पूरा डाटाबेस शेयर करना होगा, जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हैं इंडियन रुपीज में, तो कौन टैक्स भर रहा है, कौन नहीं भर रहा है, तो इस हिसाब से वो अपना काम को कर सके और अपने काम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग सावधान हो जाएं और ट्रांजेक्शन सोच समझ कर करें, और साथ ही साथ आप अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से टैक्स भरे, प्रॉपर तरीके से GST भरे, प्रॉपर तरीके से आप ITR फाइल करें। थैंक यू सो मच।